आज हम सीखेंगे कि 2x2 क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ इस क्यूब को। तो देखिए मैंने ये स्क्रैम्बल कर रहा हूँ, तो ये स्क्रैम्बल किया है। तो देखिए ये स्क्रैम्बल हो चुका है, हो गया। तो अभी क्या करना है, एक अपना अपना आपको जो कलर लगता है वो आपको एक चूज़ कर लेना है। तो मैं वाइट कलर चूज़ कर रहा हूँ, तो वाइट कलर को करना है नीचे के साइड रखना है और अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। तो लेफ्ट हैंड में रखने के बाद जो आपके सामने जो कलर आएगा, देखिए मेरे सामने ब्लू आ रहा है ब्लू, तो उसका वही कलर देखिए वाइट वाला और ब्लू। तो अभी हमको क्या करना है, एक वाइट और ब्लू कलर ढूंढ लेना है जिसमें वाइट भी हो और ब्लू भी हो। तो देखिए इसमें वाइट है और ब्लू भी है। तो हम क्या करना है, एक बार नीचे लेने के बाद ये कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा और एक इसके अंदर एक और एक सिचुएशन आती है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए और एक हमें अभी रेड और वाइट लगता है, तो देखिए वो भी है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वाइट वाला ऊपर और रेड वाला उधर साइड होता है। तो हम क्या करना है, एक बार ऊपर, एक बार इधर और फिर से एक बार नीचे और एक बार इधर। तो देखिए ये फिर से आ चुका है बराबर जगह पे, लेकिन ये सही तरीके से नहीं बैठा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको वैसे ही एक बार एल्गोरिथम में लगाएंगे। तो देखिए ये बैठ चुका है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आगे जाइए। तो देखिए आखिरी लेयर रही है। तो देखिए हमने इसको लगा लिया, लेकिन ये क्या हुआ, तो ये वाला तो सॉल्व हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ। तो हम क्या करना है, देखिए ये तो हो रहा है लेकिन ये पीछे वाला चला जा रहा है पीछे। हमें क्या करना है, इसको फिर से वही जगह पे ला लेना है और एक बार हमारा जो एल्गोरिथम हमने पीछे बताया था वही हमको लगा लेना है। तो ये हमारे उसके जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए हमारी पहली लेयर तो सॉल्व हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं अगले लेयर की तरफ। तो चलिए चलते। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा कलर ढूंढना है जो अपनी सही जगह पे होगा। तो आपको नहीं पता सही जगह, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये रेड और ग्रीन है। तो देखिए उसके ऊपर का है रेड और ग्रीन, और ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ये वाला हो रहा है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग सिचुएशन आ जाती है। तो देखिए मैं आपको वो सिचुएशन दिखा देता हूँ कि कभी कभी वो आ जाती है। तो देखिए कभी कभी ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि देखिए ये हो रहा है और इधर अपोजिट वाला हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो इसके लिए सिर्फ आपको अगर सॉल्व करना है, सिर्फ एक ही कॉर्नर आपका एक जगह पे होना चाहिए। तो देखिए आपको एक बार ऊपर वाली लेयर इधर ले लेनी है और एक बार राइट हैंड में का ऊपर, तो उसको एक बार फिर से उधर ले लेना है और लेफ्ट हैंड का ऊपर, और इसकी ये दूसरी राइट हैंड की लेयर पूरी कर लेनी है, उसको नीचे ले लेना है, और फिर दूसरा लेयर भी ऐसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे करिए आप। तो देखिए अभी आपकी एक ही जगह, सिर्फ एक ही कॉर्नर आपका एक जगह पे होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सिर्फ ये वाला ही है। तो हमें क्या करना है, देखिए दोनों ही मैच हो रहे थे, फिर से एक बार ऊपर वाली लेयर, फिर ये इधर ऊपर और ये दूसरी भी ऊपर, और फिर इसको फिर से नीचे ले लेना है। तो देखिए ये दो सब कॉर्नर आपके अपनी जगह पे आ चुके हैं, सिर्फ दो लगे हुए हैं और दो नहीं लगे हुए। तो हमें दो को सही जगह पे कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सही जगह पे है लेकिन सही तरीके से नहीं बैठे, तो उसको भी लगाने के लिए देखिए ये वाला येल्लो वाला साइड सामने की तरफ है। तो हमें क्या करना है, मैं अभी एल्गोरिथम बताऊंगा, वो वाला एल्गोरिथम आपको चार बार लगाना है। और अगर कभी देखिए मैं लगा रहा हूँ चार बार, तो आपको ऐसे ही लगा लेना है। देखिए एक बार ऊपर ले लेना है, और अब कभी कभी क्या होता है कि इधर से भी आ जाता है, तो वो सिर्फ आपको दो बार लगाना होता है। तो देखिए मैं इधर चार बार लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक बार लगा लिया है, तो ये नहीं बेटा, तो एक बार फिर से लगा लेता हूँ। तो देखिए फिर भी नहीं बेटा, तो एक बार लगा दिया, तो फिर भी नहीं बेटा, और एक बार लगाने के बाद बैठ गया। तो देखिए मैंने चार बार लगाया तो ये बैठ गया। और हमें एक बार क्या करना है, ये वाला हमने कॉर्नर सॉल्व करा था, तो एक बार क्या करना है, हमने वो नीचे वाली लेयर एक बार इधर घुमा लेनी है। तो देखिए ये सॉल्व है पहले से ही, तो फिर से एक बार घुमा लेंगे, तो ये नहीं है सॉल्व। तो हमें क्या करना है, ये इधर साइड है, तो सिर्फ दो बार हमें वो वाला एल्गोरिथम लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा लिया, तो देखिए हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो आप आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो फिर से एक बार बनाऊंगा। तो आपको अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़।